हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य। बच्चे, हम लोग आज आगे डिस्कशन करेंगे। हम लोग मैथमेटिक्स में 11th क्लास में डिस्कस कर रहे थे सेट के बारे में। ठीक है बच्चे, आप लोग उम्मीद है कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो 11th में हम लोग सेट में मैथमेटिक्स में क्या क्या डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको बताया था व्हाट इज द सेट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट एनी सेट। ठीक है, हम लोगों ने बच्चे उसमें पढ़ा था कि कोई भी सेट होगा वो दो फॉर्मेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक हम लोग अगर देखेंगे बच्चे तो रूस्टर फॉर्म होगा और दूसरा हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चे, फिर मैंने इसके अंतर्गत बताया था कि नंबर क्या होती है, नंबर में हम लोग किस फॉर्मेट से नंबर कितना नंबर मिलते हैं, के टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसमें नेचुरल नंबर्स और हम लोगों ने होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे डिस्कशंस किए थे। ठीक है बच्चे, तो आज हमारा आगे डिस्कशन है। तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, आज हमारा जो मेनली टॉपिक है वो जनरली बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे प्रॉपर्टी मेथड है, उसे डिस्कशन करना है। लेकिन उस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले हमें बच्चे अब एक टॉपिक और डिस्कशन करना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरवल। ठीक है, हमें इंटरवल समझना पड़ेगा कि इंटरवल हमारा क्या होता है। अगर मान लो जैसे बच्चे मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये मेरा अगर देखो तो ये मैं मान लेता हूं कानपुर है। ठीक है, और ये मेरा दिल्ली है। ठीक है, अब बच्चे दिल्ली अगर देखोगे तो दिल्ली का कोई ना कोई बॉर्डर हो, दिल्ली का हमारा कोई ना कोई एक स्टेशन होगा मिली, जहां से हम लोग दिल्ली करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब अगर यहां से देखो बच्चे, तो हमें कानपुर से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस को तय करना है। तो अगर कानपुर से दिल्ली हम लोग देखें तो कानपुर स्टेशन से अगर हम लोग जस्ट आगे निकल चुके हों और दिल्ली तक ना पहुंचे हों, दिल्ली के जस्ट पहले हों, तो हमें यहां से अगर देखोगे तो हमें एक फॉर्मेट एक टाइप मिल सकता है। या हम अगर इंटरवल को पहले समझें तो इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट के बीच का जो हमें एक डिस्टेंस होगा, अब वो डिस्टेंस बच्चे टाइम डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, अब टाइम डिस्टेंस का सेंस क्या हो गया कि टाइम इंटरवल बच्चे दो टाइम के बीच का जो हमें टाइम गैप है उसको हम लोग टाइम डिस्टेंस या हम लोग टाइम लेंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें बच्चे, तो हमें अगर यहां से देखो तो टाइम इंटरवल भी हमको मिल सकता है। तो हमेशा इंटरवल का सेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का जो गैप होगा। ठीक है, अब वो डिस्टेंस के बीच गैप हो सकता है, टाइम टाइम के बीच गैप हो सकता है। ठीक है, तो उस गैप को ही हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चे, इंटरवल कह सकते हैं। जैसे कानपुर और दिल्ली के बीच बात करें तो कानपुर और दिल्ली है बच्चे, तो कानपुर और दिल्ली के बीच एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग किससे नाम दे देते हैं, इंटरवल से नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इस इंटरवल को अगर देखेंगे बच्चे तो हमें फोर टाइप्स के मिलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहां से देखें बच्चे तो इंटरवल बच्चे हमें फोर टाइप्स का मिलता है। अगर आप देखोगे तो एक हमें जो मिलेगा ओपन ओपन इंटरवल मिलेगा, एक हमें ओपन ओपन इंटरवल मिलता है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें एक बच्चे ओपन क्लोज इंटरवल मिलता है। अभी इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल मिलता है। एक हम अगर देखें तो क्लोज ओपन इंटरवल मिलता है, क्लोज ओपन इंटरवल मिलता है। और अगर हम लोग देखें एक अगर देखें तो क्लोज क्लोज इंटरवल मिलता है, एक हमें क्या मिलता है, क्लोज क्लोज इंटरवल। ये चार टाइप के इंटरवल हम लोग समझते हैं बच्चे। एक ओपन ओपन इंटरवल होता है, एक ओपन क्लोज होता है, क्लोज ओपन, एक क्लोज क्लोज इंटरवल। अब इनका मतलब क्या होता है हमें ये भी जानना है बच्चे। अगर हम लोग इनको समझें कि इनका सेंस हमें क्या मिलता है। ठीक है, अब पहले दो टाइप के बच्चे ब्रैकेट मिलते हैं, उन्हें समझना। ठीक है, हमें दो टाइप के ब्रैकेट मिलते हैं। एक ब्रैकेट हमें मिलता है ये, इसे हम लोग बच्चे क्लोज ब्रैकेट बोल देते हैं। ठीक है, और एक ब्रैकेट हमको ये मिलता है, सॉरी ये ओपन ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट ये मिलता है, इसे हम लोग क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, दो टर्म्स मिलेंगे, एक ओपन ब्रैकेट और एक क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बच्चे, समझते चलना। अब अगर हम लोग देखें तो कुछ हमारी इनक्वालिटी साइन होती है, इनक्वालिटी साइन होती है, इसे भी हम लोग पहले देख लें, इनक्वालिटी साइन। ठीक है, जैसे ग्रेटर लेस, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल। ठीक है, ये चार टाइप की जो साइन होती है,
ठीक है, इन्हें इनइक्वालिटी साइन कहते हैं। ठीक है, ये लेस, ये ग्रेटर, ये लेस आर इक्वल और ये ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, इस टाइप की जो इनइक्वालिटी साइन होंगी, ये चार टाइप इनइक्वालिटी साइन, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इनइक्वालिटी साइन बोल देते हैं। तो इतनी बातें आपको पहले दिमाग पे बैठा के चलना है। तो क्या क्या पहले बात बैठा के रखना है दिमाग में, फिर ध्यान से सुनना। इंटरवल का मतलब क्या हुआ बच्चे, अगर देखो तो इंटरवल का मतलब हुआ कि दो पॉइंट के बीच कोई भी टाइम पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे दो डिस्टेंस के दो, जैसे मान लो कानपुर और हमने दिल्ली के बीच की, तो एक डिस्टेंस हमारा है इनके बीच। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच जो भी गैप होगा उस गैप को हम लोग इंटरवल बोल देते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो 1 PM से 3 PM में अगर टाइम का गैप देखोगे तो टाइम का गैप 2 आवर्स का है बच्चे। अगर इसी 2 आवर्स को आप मिनट में देखोगे तो 120 मिनट्स है। ठीक है, अगर सेकंड में देखोगे तो सेकंड में भी हमको कुछ उसी फॉर्मेट से मिलेगा। तो हमें इसी बात को समझ के चलना है कि जब भी इंटरवल की बात करेंगे तो इंटरवल हमेशा दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। वो डिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो हमें किसी फॉर्मेट में, जैसे टाइम के बीच भी गैप हो सकता है, डिस्टेंस की बात करें तो जैसे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गई, इस फॉर्मेट से समझ सकते हैं। इंटरवल बच्चे 4 टाइप्स के मिलते हैं, ओपन ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, क्लोज क्लोज इंटरवल, ये 4 टाइप के मिलते हैं। अभी इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट अगर देखेंगे तो बच्चे एक हमें क्लोज ब्रैकेट मिलता है, एक हमें ओपन ब्रैकेट मिलता है। ओपन ब्रैकेट इस फॉर्मेट से मिलता है, क्लोज ब्रैकेट इस फॉर्मेट से मिलता है। और इनइक्वालिटी साइन देखें तो 4 टाइप की इनइक्वालिटी साइन होती है, एक लेस, एक ग्रेटर, एक लेस आर इक्वल, एक ग्रेटर आर इक्वल, ये 4 टाइप की बच्चे इनइक्वालिटी साइन होती है। ठीक है, तो इसे दिमाग में बैठा के हमको चलना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब समझना बच्चे, अब अगर हम लोग देखें बच्चे तो समझ के चलना है। सबसे पहली बात हमें समझना है ओपन ओपन इंटरवल। ठीक है, अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है बच्चे, हर एक बात हमें समझ में आ जाएगी, एक एक करके ध्यान से समझ के चलना। ओपन ओपन इंटरवल, जैसे मान लो बच्चे मैंने कह दिया एक्स ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, ये हमें कहीं पे लिखा हुआ। ठीक है, अब लेस और ग्रेटर का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हो बच्चे, इसे ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैंने कहा x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, जैसे ये मान लो 2 है बच्चे और ये मेरे पास 4 है, ये 2 है और ये मेरे पास 4 है। ठीक है, अब अगर देखें तो मैंने कहा x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 4 से छोटी है, तो क्या ये नंबर्स के बीच एक गैप को बता रहा है बच्चे? तो इस गैप को अगर देखें, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी कुछ भी हो सकता है ऐसे करके, और 4 से छोटी है तो मतलब 4 तक जाएगा। लेकिन बच्चे इक्वालिटी नहीं लगी है, यहां से बात को समझना। जैसे अगर आपसे कहा जाए एक्स ग्रेटर देन 2 और एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 2, इसका दोनों का सेंस समझना। एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, 2 से बड़ी है, और x ग्रेटर देन आर इक्वल 2 का मतलब हुआ x की वैल्यू 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ी भी है। ठीक है, ये बात आप समझ के चलना। तो यहां से अगर देखें तो x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, 2 से बड़े, सॉरी x की वैल्यू 2 के इक्वल भी हो सकती है, 2 से बड़ी भी हो सकती है। तो यहां से सिर्फ क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो यहां पे क्या होगा बच्चे, ब्लैंक सर्कल, और यहां पे क्या होगा, ब्लैंक सर्कल। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये ब्लैंक डार्क क्या होता है, अब मेरी बात समझना। दो टाइप के सर्कल मिलेंगे बच्चे, एक डार्क और एक ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक सर्कल तब हम लोग किसी भी नंबर लाइन में यूज करेंगे जब कोई नंबर इंक्लूड नहीं होगे, तो 2 यहां पे इंक्लूडेड नहीं है। और डार्क सर्कल हम तब यूज करेंगे बच्चे जब कोई नंबर क्या होगी, इंक्लूडेड होगी, तो 4 यहां पे क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, सॉरी 4 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहां पे भी ब्लैंक सर्कल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से समझ के चलना बच्चे, 2 तब इंक्लूड, ब्लैंक सर्कल तब यूज करते हैं जब कोई नंबर इंक्लूडेड नहीं होती है, डार्क सर्कल तब यूज करते हैं जब कोई नंबर इंक्लूडेड होती है। तो यहां ना तो 2 इंक्लूडेड है ना तो 4, इसलिए क्या यूज किया बच्चे, ब्लैंक सर्कल यूज किया है। ठीक है, अब यहां से जैसे समझो
हमें क्या मिला बच्चे, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, ठीक है। तो अब इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, x बिलोंग्स टू 2 से 4, 2 पे भी हमारा ब्लैंक सर्कल है और 4 पे भी ब्लैंक सर्कल है। जब कोई नंबर इंक्लूडेड नहीं होगी बच्चे, जब कोई नंबर इंक्लूडेड नहीं होगी तो वहां पे ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ओपन ब्रैकेट। और जब कोई नंबर इंक्लूडेड होगी तो वहां पे क्या होगा बच्चे, वहां पे क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। मेरी बात को फिर ध्यान से समझना, जब कोई नंबर इंक्लूडेड नहीं होगी, ठीक है, जब कोई नंबर इंक्लूडेड नहीं होगी तो वहां पे ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, और जब कोई नंबर इंक्लूडेड होगी तो वहां पे क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। तो यहां पे 2 से 4 के बीच हर एक नंबर हो सकती है, लेकिन ना तो 2 कभी हो सकता है और ना तो कभी 4 हो सकता है। इतनी बात आपको समझ के चलना है बच्चे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी फॉर्मेट से। तो जैसे अगर हमें, तो ओपन ओपन का मतलब समझ पाए, ओपन ब्रैकेट यूज हुआ, ओपन ब्रैकेट यूज हुआ, इसलिए इसे ओपन ओपन इंटरवल हम लोग बोल देते हैं। ये ब्रैकेट के फॉर्म में है, ये नंबर लाइन के फॉर्म में, ये हमारा इंटरवल के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। इसी बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी बात को मैं जनरलाइज कर दूं बच्चे, जैसे मैं कह दूं मेरे पास एक्स कोई है और वो ए से ग्रेटर देन है और बी से छोटा है। a से ग्रेटर देन है, a से बड़ा है और b से छोटा, मतलब x इज ग्रेटर देन ए लेस देन b। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू a से बड़ी है और b से क्या है बच्चे, छोटी है। अगर x की वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी है, तो a से बड़ी और b से छोटी, तो इसके बीच कहीं कुछ हो सकती है हमारे नंबर बच्चे। तो यहां पे x की वैल्यू कभी भी a के इक्वल नहीं है और ना कभी भी हमारा b के इक्वल है। तो मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a से b, ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में देखें तो x belongs to a to b, मतलब a और b कभी पॉसिबल नहीं है, बट a और b के बीच हमारी कुछ भी नंबर हो सकती है। जैसे यहां से अगर देखें बच्चे, तो x मेरा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे करके 3.99999 कुछ भी हो सकता है, बट कभी भी x ना तो 2 होगा और ना तो हमारा 4 होगा। x never not equal to 2 and 4, ठीक है। ये बात आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसी फॉर्मेट से आगे हम लोग समझें। देखो एक टर्म से बदल रहा है जिसे ओपन क्लोज इंटरवल हो जाता है। ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब अगर हम मान लें बच्चे यहां से x ग्रेटर देन 2 लेस देन आर इक्वल 5, ये दे रखा है x ग्रेटर देन 2 लेस देन आर इक्वल 5। यहां से अगर देखें तो x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 5 है। अब समझना बच्चे, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 है और 5 है, तो 2 और 5 के बीच कुछ भी हो सकता है। यहां से अगर देखें हम लोग देखें बच्चे, तो ना तो x की वैल्यू 2 है और ना 2 के इक्वल नहीं है, बट हमारा 5 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या लगेगा बच्चे, डार्क सर्कल, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जब हमारा कोई नंबर इंक्लूडेड होगी तो वहां डार्क सर्कल, और जब कोई नंबर इंक्लूडेड नहीं होगी तो वहां पे ब्लैंक सर्कल। तो 2 इंक्लूडेड नहीं, इसलिए क्या लगेगा बच्चे, ब्लैंक सर्कल, एंड 5 इंक्लूडेड है, इसलिए क्या लगेगा यहां पे, डार्क सर्कल। तो यहां से अगर देखें, x नॉट इक्वल टू 2 बट x इक्वल टू 5 पॉसिबल है, एंड x इक्वल टू 2.1 पॉसिबल है, 2.2 पॉसिबल है, और 5 तक ऐसे करके कोई भी वैल्यू हमारे x हो सकती है। तो अगर इसी बात को हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दें, तो x belongs to 2 से 5, 2 पे कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन, और 5 पे कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। 2 पे ओपन और 5 पे कैसा बच्चे, क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि 5 क्या है, इंक्लूडेड है। समझ गए होगे बच्चे। अब अगर इसी बात को हम लोग जनरलाइज करके देखें, मैंने कह दिया x ग्रेटर देन
लेस देन आर इक्वल बी। तो अगर हम लोग इसको देखें तो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल, एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन आर इक्वल बी, मतलब एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है और बी से छोटी है और बी के इक्वल भी है। तो यहां से ए और बी के बीच कुछ भी एक्स पॉसिबल हो सकता है बच्चे। ए पर कैसा लगेगा? ब्लैंक सर्कल। और बी पर कैसा होगा बच्चे? डार्क सर्कल। बी पर कैसा होगा? डार्क सर्कल। फाइनली कहने का सेंस क्या हुआ? एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी एंड बी पर कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे बच्चे? क्लोज ब्रैकेट। बी पर कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे? क्लोज ब्रैकेट। यहां से समझो बी पर कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे? क्लोज ब्रैकेट। तो समझ गए होगे बच्चे, उम्मीद है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक एक बात को बच्चे नोट करते चलना। ठीक है, आपको नोट्स भी बनाते चलना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। धीरे धीरे देखोगे तो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ध्यान से सुनते चलना बस। ठीक है, जैसे अब हमें समझना है बच्चे क्लोज क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल। अब क्लोज ओपन इंटरवल के कॉन्सेप्ट को देखें बच्चे। जैसे मान ले मेरे पास कहीं पे लिख दिया जाए x ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर लेस देन 6, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस बात को क्या कहेंगे? नंबर लाइन पे देखें तो x की वैल्यू 2 और 6 के बीच कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू 2 और 6 के बीच कुछ भी हो सकता है। 6 पे क्या यूज करेंगे बच्चे? ब्लैंक सर्कल। और 2 पे क्या यूज करेंगे? डार्क सर्कल। ठीक है, x की वैल्यू 2 और 6 के बीच कुछ भी हो सकता है, 2 पे क्या? डार्क सर्कल। और 6 पे क्या? ब्लैंक सर्कल। तो यहां से x अगर देखें तो x किससे बिलोंग कर रहा है? 2 से 6 के बीच। 2 पे ओपन ब्रैकेट और 6 पे सॉरी 2 पे क्लोज ब्रैकेट और 6 पे कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे? ओपन। क्यों बच्चे? क्योंकि 2 इंक्लूडेड है और 6 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी लगी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ क्लोज पहले यूज हुआ है क्लोज ब्रैकेट और बाद में ओपन, इसीलिए इसे बच्चे क्लोज ओपन इंटरवल हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज ओपन इंटरवल हम लोग क्या देते हैं। ठीक है, जैसे इसी फॉर्मेट से एक और एग्जांपल समझो बच्चे। जैसे हमें कहा जाए x ग्रेटर देन r इक्वल 3 लेस देन 7, कहीं पे ये मिल जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 3 के इक्वल है और 7 के 3 से बड़ी है और 3 के इक्वल है और 7 से लेस देन है। ठीक है, तो यहां पे 3 पे भी डार्क सर्कल हो सकता है बच्चे और यहां पे क्या होगा? ब्लैंक सर्कल। तो x बिलोंग्स टू 3 से कितना बनेगा? 7। समझे बात को? x बिलोंग्स टू 3 से 7। अब देखो बच्चे यहां से समझ गए, तो इस फॉर्मेट से अगर देखें तो अब आगे समझना। जैसे हमारा अब अगर हम एक जनरलाइज कर दें x ग्रेटर देन ए लेस देन बी कह दिया जाए, x ग्रेटर देन आर इक्वल ए लेस देन बी, तो x की वैल्यू a और b के बीच है, a और b के बीच है, तो x की वैल्यू a और b के बीच कुछ भी हो सकता है। B पर कैसा ब्लैंक सर्कल, A पर कैसा डार्क सर्कल। तो X बिलोंग्स टू A से B और B पर कैसा है ब्लैंक और A पे कैसा है क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि डार्क सर्कल। समझ पाए बात को? इस फॉर्मेट से हम लोगों को बच्चे एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चे समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। जैसे देखो लास्ट है बच्चे, चौथा है क्लोज क्लोज इंटरवल, क्लोज क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब समझना बच्चे क्लोज क्लोज इंटरवल को देखें तो हमारे पास अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल 7 है। ठीक है, x की वैल्यू 2 से 7 के बीच है, 2 से 7 के बीच है। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू ना तो कभी 2 के इक्वल है
सॉरी 2 के इक्वल भी है और 7 के भी इक्वल है, मतलब x की वैल्यू अगर देखें 2 भी पॉसिबल है, 2.1 भी पॉसिबल है, 2.2 भी, 2.4 भी, 3 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ठीक है। अगर देखोगे तो 6.999 भी है और 7 भी है, सारी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां से अगर इस बात को समझें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 से 7 कुछ भी हमारी वैल्यू पॉसिबल है, और इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों पे डार्क सर्कल है बिकॉज इक्वालिटी है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। समझ गए होंगे बच्चे, एक एक बातें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगे। अब आगे समझे, जैसे इसी फॉर्मेट से बच्चे हम कह दें x ग्रेटर दैन आर इक्वल a लेस दैन आर इक्वल b, x ग्रेटर दैन आर इक्वल a लेस दैन आर इक्वल b। अगर इसकी बात को समझें तो ये हमारे पास a है, ये मेरे पास b है, ठीक है। x की वैल्यू a से b के बीच कुछ भी हो जाएगा, यहाँ पे डार्क सर्कल और यहाँ पे भी कितना डार्क सर्कल, तो x बिलोंग्स टू a से b, a पर भी डार्क सर्कल और b पर भी डार्क सर्कल, इसलिए दोनों पे कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, a पे भी क्लोज ब्रैकेट और b पे भी क्लोज ब्रैकेट। इस फॉर्मेट से हमें क्वेश्चंस को करना पड़ता है। उम्मीद है बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना, और देखो बच्चे हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे 11th क्लास में, लीनियर इनक्वालिटी आपके सिलेबस में दे रखा है, तो हमें लीनियर इनक्वालिटी के बारे में समझना है, और लीनियर इनक्वालिटी के बारे में हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमें ये सारी बातें नहीं पता होंगी। जब हमें ये सारी बातें पता चल जाएंगी तभी हम लोग लीनियर इनक्वालिटी को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात बच्चे, हमें अभी सेट में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, सेट में इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चे हमारा जो टॉपिक है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं, वो हमें बच्चे तभी समझ में आएगा जब तक हमें लीनियर इनक्वालिटी की कुछ बातें पता नहीं रहती, ठीक है। जब वो चीजें हमें आती हैं तभी हम लोग क्वेश्चन को कर पाते हैं, नहीं हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो समझते चलना, एक एक करके देखते चलना। अब बच्चे कहीं कहीं पे, ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए x ग्रेटर दैन 2 लिखा हुआ है, x ग्रेटर दैन 2 लिखा हुआ है, ठीक है। x ग्रेटर दैन 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, और 2 से बड़ी कहां तक जा सकता है बच्चे, प्लस इनफाइनाइट तक जा सकता है, कहां तक जा सकता है, प्लस इनफाइनाइट तक। यहां पे कैसा सर्कल आएगा बच्चे, ब्लैंक सर्कल आएगा, कैसा सर्कल आएगा, ब्लैंक सर्कल। मतलब अगर x की वैल्यू देखें तो x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे हो, हमेशा याद रखना है माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट दोनों पे बच्चे क्या यूज करते हैं, हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, बिकॉज हम लोग इनफाइनाइट को जानते नहीं है वो क्या होता है, इसलिए दोनों पे हमेशा क्या यूज होता है बच्चे, ओपन ब्रैकेट ही यूज होता है, ठीक है। तो यहां पे भी 2 पे भी कैसा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और कहां तक जा सकती है, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक। तो आपको इसी बात को अगर जनरलाइज कर दूं, जैसे मैं कह दूं x ग्रेटर दैन a, तो x ग्रेटर दैन a का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू a से बड़ी और a से बड़ी कहां तक जाएगी, प्लस इनफाइनाइट तक, और यहां पे क्या लगाएंगे, ब्लैंक सर्कल। मतलब अगर देखें तो x बिलोंग्स टू a से प्लस इनफाइनाइट हमारा कुछ भी मिल सकता है। इस फॉर्मेट से हम लोग बात को समझते हैं, ठीक है। अब आगे समझो, कहीं कहीं पे जैसे आपको मिल जाता है बच्चे x बिलोंग्स टू x ग्रेटर दैन आर इक्वल 3, बिलोंग्स टू नहीं, x ग्रेटर दैन आर इक्वल 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x की वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल भी है और 3 से बड़ी भी है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, डार्क सर्कल हो गया, यहां पे क्या हो गया, डार्क सर्कल हो गया। तो यहां से x बिलोंग्स टू 3 से प्लस इनफाइनाइट, यहां पे हमारा क्या है, प्लस इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट, और 3 पर कैसा यूज करेंगे बच्चे, क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, 3 पे कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट भी, क्यों, क्योंकि बच्चे 3 पे क्या है, इक्वालिटी है, इसलिए यहां पे कैसा ब्रैकेट यूज होगा, क्लोज ब्रैकेट यूज होगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे बच्चे। तो इसी बात को अगर जनरलाइज कर दूं, मैं कह दूं x ग्रेटर दैन आर इक्वल a, तो x ग्रेटर दैन आर इक्वल a का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू a से बड़ी है और ये प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी जा सकता है, यहां पे देखें तो ये डार्क सर्कल होगा, ठीक है। मतलब x की वैल्यू a के इक्वल भी है, a से बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो x बिलोंग्स टू a से प्लस इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू a से
प्लस इनफाइनाइट। समझ गए बच्चे, इस तरीके से हम लोग बातों को समझते हैं, कोई डाउट है इसमें? अब देखो बच्चे, अब हम लोग आगे देखें, जैसे अगर हम लोग कह दें एक्स लेस देन थ्री, एक्स लेस देन थ्री का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू थ्री से छोटी है, थ्री से क्या है, छोटी है, और थ्री से छोटी है तो कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। यहां पे क्या आएगा बच्चे, ब्लैंक सर्कल, यहां पे क्या आएगा, ब्लैंक सर्कल। एक्स की वैल्यू थ्री से छोटी है, थ्री इंक्लूडेड नहीं है, मतलब एक्स की वैल्यू अगर देखोगे तो एक्स की वैल्यू 2.999 है, लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू थ्री है, ये बात समझ के चलना है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट, इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। लेफ्ट टू राइट हम लोग देखेंगे, माइनस इनफाइनाइट में मैंने क्या बताया, हमेशा ओपन ब्रैकेट, और 3 पर भी क्या यूज करेंगे बच्चे, ओपन ब्रैकेट ही यूज करेंगे, ठीक है, समझ गए होगे बच्चे। अगर इसी बात को मैं जनरलाइज कर दूं, मैं अगर आपसे कहूं कि x लेस देन आर इक्वल a है, x लेस देन a है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग यहां देखें, अगर मैं आपसे कहूं x लेस देन a है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा x की वैल्यू a से छोटी है, और कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, यहां पे क्या है, ब्लैंक सर्कल, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से a पर कैसा, ओपन ब्रैकेट, समझ गए बात को। इसी फॉर्मेट से अगर हम लोग देखें तो x लेस देन आर इक्वल 3 है, x की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से छोटी, तो यहां पे 3 है, 3 से छोटी, तो जैसे अगर बच्चे देखें तो 3 को 3 के इक्वल भी पॉसिबल है, और 3 के इक्वल और 3 से छोटी, तो यही नंबर पॉसिबल हो सकती है, यहां पे माइनस इनफाइनाइट, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3, और 3 पे कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज 3 के इक्वल भी पॉसिबल है। तो इस फॉर्मेट से हम लोग समझते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3 मिलता है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, समझते हैं बच्चे, समझ पाए। ये आपको सब बच्चे कैलकुलेशन में मिलेगा, एक एक बातों को आपको समझ के चलना है, ठीक है। अब किस तरीके से इनका यूज क्वेश्चंस में मिलेंगे और आपको कैसे इसे सॉल्व करना है, उसे थोड़ा आप लोग बाय कैलकुलेशन से समझना, ठीक है। अभी मैं एकदम बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूं क्वेश्चंस के लिए, जिससे आप लोग बच्चे क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। हमारा टॉपिक ही अभी आगे लीनियर इनक्वालिटी, वहां पर हम लोग डिटेल डिस्कशन इसके बारे में करेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मिलेगा। अगर कोई इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अभी देखना चाहता है तो YouTube पे वीडियो पड़ा हुआ है, क्लास 12th में बच्चे अगर देखोगे, क्लास 12th के फंक्शन में पार्ट 1 वीडियो मेरा लीनियर इनक्वालिटी बेसिस पे है, आप उसे पूरा देख सकते हो, ठीक है। वहां पे पूरा डिटेल इसके बारे में डिस्कशन है, काफी बातें आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात को समझें, जैसे हमें इसमें क्या मिलता है, कुछ क्वेश्चन किस फॉर्मेट से मिलते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे एक सॉल्व 2x प्लस 1 ग्रेटर दैन 0, जैसे हमें यह मिल गया कहीं पे, ठीक है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे। अब देखो सॉल्व करने का सेंस, इसके कुछ रूल होते हैं, अभी उन रूल्स पे मैं नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको कुछ कैलकुलेशन सिखा रहा हूं किस बेसिस पे करते हैं, ठीक है। जिस एक्सप्रेशन में इनक्वालिटी साइन दिखेगी, ठीक है, हमें चार टाइप की इनक्वालिटी, ग्रेटर, ग्रेटर आर इक्वल, लेस, लेस आर इक्वल, जिस टाइप के किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ये इनक्वालिटी साइन दिख गई तो वो हमारा क्या जनरली कहलाता है, वो एक्सप्रेशन हमारा अगर आप देखोगे तो वो एक्सप्रेशन हमारा इन इक्वेशन बन जाता है, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चे, इन इक्वेशन नाम दे देते हैं, उसे क्या नाम दे देते हैं, इन इक्वेशन। तो इस इन इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व का सेंस क्या होता है बच्चे, अगर देखोगे तो सॉल्व करने का मतलब हुआ कि हमें यहां से x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इसको क्या करे, सैटिस्फाइड करे, जो इसको क्या करे, सैटिस्फाइड करे बच्चे, ठीक है। तो अब इसको सैटिस्फाइड करे, हमें ऐसी x की वैल्यू देखनी है, यहां से देखो
अब इसको करने के कुछ रूल होते हैं। सबसे पहली बात बच्चे, ये हम लोग लीनियर के बारे में भी सीख रहे हैं, तो इसे मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कुछ लीनियर भी सिखा दे रहा हूं, कुछ क्वाड्रेटिक भी सिखा दे रहा हूं, यहां से सीख जाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो 2x + 1 > 0, ठीक है, इसे हमें समझना है। तो हमें इसके रूल क्या होते हैं, हमेशा बच्चे इस केसेस में लीनियर के केसेस में कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 2x > -1 हो गया, ठीक है। हम कोई भी नंबर इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इन क्वालिटी साइन पे कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इस 1 को हटाने के लिए -1 दोनों 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ, जैसे हम स्टेप लिख सकते थे उस बात को। तो रियल प्रोसेस क्या है, मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ, जब 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 हट गया, तो 2x > -1 मिला, ठीक है। कोई भी नंबर का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, इनक्वालिटी साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इस 2 को हटाना है बच्चे, 2 को हटाना है, ठीक है। तो हम क्या यहां से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे या 1/2 का प्रोडक्ट करेंगे। याद रखना, जब भी पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट कराओगे बच्चे, तो इस इनक्वालिटी साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1/2 का प्रोडक्ट कराएंगे तो x > -1/2 बनेगा, ठीक है बच्चे। तो यहां से अगर देखें तो हमें x की वैल्यू -1/2 से बड़ी, और -1/2 से बड़ी कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, और यहां पे इक्वालिटी नहीं है, तो इसलिए यहां पे ब्लैंक सर्कल आएगा, मतलब x बिलोंग्स टू -1/2 से प्लस इनफाइनाइट। इस फॉर्मेट से हम लोग इसको समझते हैं, -1/2 पे भी ओपन ब्रैकेट और प्लस इनफाइनाइट पे भी हमें क्या मिलेगा बच्चे, अगर देखोगे तो ओपन ब्रैकेट ही यूज करेंगे। समझ गए बात को, कहोगे सर आप ये सब क्यों करा रहे हैं। देखो बच्चे, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं अभी सेट बिल्डर फॉर्म में कराऊंगा, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। जब तक ये सब बातें आएंगी नहीं, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं कुछ बातें आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं, कुछ बातें जैसे आप सीख जाओ। जैसे 1 - 3x > 0, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो हमें 1 - 3x > 0 है, यहां से सबसे बच्चे किसको पहले हटाना है, 1 को हटाना है। इस 1 को हटाने के लिए 1 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 हटेगा तो -3x > -1 होगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझना बच्चे, जब इक्वालिटी केवल होता था तो आप क्या करते थे, माइनस माइनस काट देते थे, 3x = 1 मिलता था। लेकिन यहां पे इक्वालिटी नहीं है, यहां पे इक्वालिटी नहीं है, इस माइनस को हटाना है। माइनस को तब हटाएंगे जब माइनस का 2 पूरे में क्या करा देंगे, प्रोडक्ट करा देंगे। तो ये माइनस का प्रोडक्ट कराओगे तो ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, और हमें माइनस का प्रोडक्ट कराते ही इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब लेस आर इक्वल है तो ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से 3x > r = 1, ये बात नोट करके आप यहां पे लिख लेना बच्चे, ठीक है। ये बात इफ वी मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन इन एनी इक्वेशन then the inequality sign will be changed, inequality sign क्या हो जाएगी बच्चे, change हो जाएगी। ये बात आपको समझ के चलना है, ठीक है। कैसे change होगी बच्चे, greater वाली क्या बन जाएगी, less बन जाएगी, greater r equal क्या बन जाएगी, less r equal बन जाएगी, less की क्या बन जाएगी, greater की, और less r equal क्या बन जाएगी बच्चे, ग्रेटर आर इक्वल बन जाएगा। इस फॉर्मेट से हम लोग समझ के चलते हैं, तो इसको देखते हैं। तो x > r = 1/3, इस 3 को हटाने के लिए 1/3 का पूरा प्रोडक्ट करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, या 3 से डिवाइड करा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1/3 से बड़ी है, तो यहां पे क्या हो गया, डार्क सर्कल हो गया, और x बिलोंग्स टू 1/3 से प्लस इनफाइनाइट, यहां ब्लैंक सर्कल, यहां पे कैसा क्लोज, सॉरी वहां पे ओपन ब्रैकेट, यहां पे कैसा क्लोज, ठीक है, यहां डार्क सर्कल, ये हमारा बनेगा। समझ गए बच्चे, तो इस फॉर्मेट से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन से ही सिखाऊंगा बहुत सारी बातें इसकी, आपको मैंने कुछ बातें बता दी हैं, कुछ रूल्स बता दिए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर में बच्चे इतना आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो
तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चे आगे सीखेंगे इनका यूज किस तरीके से करना है। हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जानेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से हमको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है बच्चे। और एक दूसरी बात बच्चे, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं अगर उनको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका इतना मुझे सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा अगर सब्सक्राइबर अच्छे बढ़ते हैं और आपके लाइक और कमेंट मिलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़ता है, ठीक है। और मैं और ज्यादा मेहनत करता हूं उससे, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे वर्क करेंगे। और दूसरी बात बच्चे, आपको मैंने बता दिया है कि RSS इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन आ चुका है, तो ऐप पे भी सारे कोर्सेस आपको मिलेंगी, ठीक है। ऐप पे बच्चे धीरे धीरे करके सारे कोर्सेस पेड हैं, वहां पे आपको पेड कोर्सेस मिलेंगे। और यूट्यूब पे तो अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल ही रही है, ठीक है। वहां पे क्या है, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, एक एक करके सारी फैसिलिटी धीरे धीरे करके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और बहुत सारे वहां पे कोर्सेस आपको दिख जाएंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चे। तो आज यहीं तक, फिर आगे मिलते हैं। ओके।